आज यहाँ पे आने से ये हमें कम से कम चीज़ें सामने आया है। मैं यहीं पे पीएम साहब जब हमने देखा कि यहाँ पे सहूलतें जो हमने यहाँ पे टेंट सिटी टेंट विलेज के हवाले से यहाँ पे कहा गया था, वो कि हमें कहा गया था 1 महीने का राशन हमने सबको दिया है, अगर उन्होंने नहीं दिया चीफ सेक्रेटरी साहब आज ही DC तहसीलदार कंसर्न ये जो PDMA का जो यहाँ पे इंचार्ज है ये सारे इसको सस्पेंड कर दें और इनका इंक्वायरी करें कि आया इन्होंने इस चीज़ों को क्यों इधर नहीं पहुंचाया, क्या इंसान नहीं है यहाँ पे। टेंट कहा गया था कि हर चीज़ यहाँ पे अवेलेबल होना चाहिए, यहाँ पे मेडिकल की सहूलतें हों, यहाँ पे खाने पीने का इनको वो जो भी ज़रूरतें पूरे हो। मुझे तो अफसोस है कि क्यों नहीं इन्होंने किया और DC ने क्यों इसकी जो यहाँ पे थे और इस चीज़ को नज़रअंदाज किया। तो ये सारे सस्पेंड हैं और इनके खिलाफ़ कार्रवाई होगी और बाकी आज से पीएम साहब इंशाल्लाह खाना डेली बेसिस पे इंशाल्लाह खाना इनका या राशन है जो भी यहाँ पे सिचुएशन के मुताबिक ये दे देंगे। मीडिया के थ्रू मैं ये कहना चाहता हूँ कि जहाँ कहीं पे कैंप हैं या इस बारिश से मुतासर लोग हैं, अगर वहाँ पे उनको प्रॉपर रिलीफ नहीं दिया गया तो उस इलाके का DC और जो कंसर्न लोग होंगे वो अपने आप को सस्पेंड समझे। हम जहाँ पे गए हमने ये नहीं देखा और मेडिकल में आप लोग जो भी हम गए वो कैंपों में अगर उसमें रिकॉर्ड नहीं है या जिस डिस्ट्रिक्ट में रिकॉर्ड नहीं है कि कितने पेशेंट आए कितने नहीं आए, फिर वो DG सिमत सबको सस्पेंड समझें।